हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। कभी कभी सर्जरी करते समय हम लोग को कुछ डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। कुछ जब हम लोग पेशेंट सर्जरी के लिए आता है तो कुछ चीज़ें हम लोग सर्जरी से जस्ट पहले टेस्ट करते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंज मिलता है तो हम लोग को कभी कभी कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। आज ऐसा ही एक केस है, एक पेशेंट है जो कि प्रिपेयर थे, जिनको हम लोग को मल्टीफोकल लेंस लगाना था, ट्राईफोकल लेंस जिस सिनर्जी कहते हैं, जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंसेज हैं, ये J&J के आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन के। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमने उनकी दोबारा से जब हमने पर्दे की जांच की, और पर्दे की जांच करने में हमें उनके कुछ डिफेक्ट मिले। लगभग हम सारी जांचों को फिर से सर्जरी से जस्ट पहले रिपीट करते हैं, इसीलिए कि हमें क्या हमारा पेशेंट का आउटकम आना है, जिससे हम वो पहले से प्रेडिक्ट कर पाएँ। पेशेंट को पहले से पता रहता है, हम लोग को भी ये क्लैरिटी रहती है। तो आप इस पेशेंट की जब हम लोग ने जाँच की तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये फ्लैटनिंग है, यानी फोविया एबसेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ रेटना पे प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एपिरेटनल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी रेटना की सिकुड़न है जो एज की वजह से आ जाती है। ऐसे में अगर हम मल्टीफोकल लेंस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पेशेंट को हम लोग ने काउंसिल किया कि आपके लिए मल्टीफोकल आपने जो सेलेक्ट किया है वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि आपका पर्दे में डिफेक्ट है, और अगर हम रिंग मल्टीफोकैलिटी जिसमें मल्टीपल रिंग्स हैं, यानी आई की जो आँख के अंदर जो लाइट जा रही है वो मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड होके जा रही है, तो आपकी पढ़ने में, डिस्टेंस में और रीडिंग में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं। काउंसिल करने के बाद हम लोग उसको उसके साथ बैठ के डिस्कस करके फिर लेंस की स्ट्रैटेजी में चेंज करते हैं। तो हमें ऐसे पेशेंट जिनमें कि पर्दे पे डिफेक्ट्स हैं पता है, तो मल्टीफोकैलिटी की जगह हम लोग मोनोफोकल पे ले जाते हैं। मोनोफोकल में एक लेंस और मोनोफोकल एनहांस्ड मोनोफोकल, ये भी J&J कंपनी का है, जॉनसन एंड जॉनसन का है, जिसको हम लोग आईहांस कहते हैं। इसमें डिस्टेंस के साथ इंटरमीडिएट विजन में भी कंपैरेटिवली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो आजकल एक इडॉफ का सेगमेंट में आते हैं। तो इस लेंस को हम लोग ने सेलेक्ट किया है। पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी डिस्टेंस में क्योंकि कोई रिंग नहीं है तो आपको 100% लाइट रहेगी, रीडिंग के नंबर आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि पर्दे पे, क्योंकि हम आपको मल्टीफोकल लेंस नहीं डाल रहे हैं, लेकिन रीडिंग के नंबर्स को थोड़ा ये रिड्यूस कर देगा। अब मैं पेशेंट के पास जा रहा हूँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो उस पेशेंट से आप मैं सर्जरी करूँगा, आप लाइव सर्जरी भी करेंगे, मेरी ड्यूरिंग सर्जरी भी जो मेरा कन्वर्जेशन पेशेंट से होगा वो भी आप सुन पाएंगे। क्या है आपको पता है ना, क्योंकि आपके पर्दे पे ना थोड़ी सी एज की वजह से सिकुड़न थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग मल्टीफोकल लेंस नहीं लगाएंगे आपकी आँख में, क्योंकि जैसा हम आपको प्रॉमिस कर रहे थे मल्टीफोकल लेंस के लिए और जैसा आप सोच रही थी वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने आपका चेंज करके उसी कंपनी का वो लेंस लगाया है, जिससे कि आपको दूर के लिए चश्मे की ज़रूरत कम हो जाएगी, लगभग नहीं होगी, और पढ़ने के नंबर भी थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन हल्का सा चश्मा पहनना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया देख रही हैं, ऐसे देखिएगा, हमें 5 मिनट लगेंगे आपके ऑपरेशन में। बहुत बढ़िया, आपको सामने जो लाइट है वो थोड़ी हिलती हुई लगेगी, लाइट नहीं हिल रही है क्योंकि हम आपकी आँख को छू रहे हैं, इसलिए आई मूव करती है इसलिए लगता है, थोड़ा सा प्रेशर लगता है आँख में। बहुत बढ़िया,
काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रही हैं आप, कुछ थोड़े छोटे से टुकड़े बचे हैं मोतियाबिंद के आपकी आँख में, वो भी निकल गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मोतियाबिंद आपका निकल चुका है अम्मा जी, बहुत बढ़िया साथ दिया आपने, और हम अब आपकी आँख के अंदर लेंस डाल रहे हैं। लाइट के बीच में देखो, हो गया आपका ऑपरेशन। बस आपको बाहर अभी सब प्रिकॉशंस बताएंगे हम, आपको दवाइयाँ देंगी सिस्टर, सब ध्यान से समझ के घर जाना है, सफाई से रहना है, और 15 दिन बाद सीधे चश्मे के नंबर के लिए आना है। शुरू के हफ्ते भर थोड़ा सा सावधानी ज़्यादा रखनी है। बहुत ही अच्छा साथ दिया, बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद।